ये रिश्ता क्या कहलाता है। नायरा, नायरा कीर्ति का सारा सामान तैयार है? जी दादी। और कपड़े, गहने, सिंगार? वो सब उनके कमरे में रखवा दिया है। और रस्मों में इस्तेमाल होने वाली चीजें? वो थाली में सजाती हैं। और आरती का थाल? वो भी तैयार है। माला कहाँ पे रखना है साहब? अब जयमाला इस लाओ मुझे। बाप रे, इसे तो बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ का, और इनका इतिहास कुछ ज्यादा ही खराब है, मम्मा पापा के टाइम से ही। अरे हाँ, चुहा कौवा ऊंट, यहाँ तक कि बच्चों को भी आसपास भटकने नहीं दूंगा मैं। जल्दी आइए, इसे आपको बहुत संभाल के रखना होगा। पहले वो बड़ी वाली थाल में निकाल देना, उसके बाद जो बड़ी वाली फ्रिज जो बहने के लिए जा रही है ना, बस उसी में डाल देना, लॉक कर देना उस फ्रिज को, और जो चाबी है वो नायरा को दे देना। जल्दी जल्दी जाओ। इस बार तो वरमाला का कोई कांड नहीं होने दूंगा मैं, तुम देखना। माँ बस बहुत हो गया, ये लास्ट है, बहुत अच्छा लगेगा। कहा था ना अच्छा लगेगा, मेरी बेटी दुल्हन बन रही है आज। ऐसा सजाया है ना कि चांद भी देख के शर्मा जाएगा। दीदी, कीर्ति रेडी हो गई? हाँ हो गई। ये देखो, वाओ, वाओ कीर्ति दीदी, बहुत प्यारी लग रही हो कीर्ति बेटा, सचमुच। हाँ, आज तो हमारी कीर्ति इतनी सुंदर लग रही है, जितनी भी नजर उतारो ना कम है। थू, 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 थू। दादी बिल्कुल सही कह रही है, नजर ही नहीं हट रही आपसे। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि हम घर वालों की नजर लग जाए। तारीफ आप लोग मेरी कर रहे हैं, पर सारी मेहनत माँ ने की है, तब से लगी हुई है, एक बार भी रुकने का नाम नहीं लिया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर माँ अपनी बेटी के लिए नहीं करेगी तो कौन करेगा। थैंक यू माँ, पर अब बस आप जाइए और तैयार हो जाइए प्लीज। सचमुच बहुत सुंदर लग रही है कीर्ति, इतना अच्छा तो कोई प्रोफेशनल भी नहीं कर पाता। मैं बता नहीं सकती हूं मैं कितनी खुश हूं आज। आई एम सो लकी। पूरी फैमिली का सपोर्ट, पूरी फैमिली का प्यार क्या होता है, ये मैंने आज देखा है। स्वर्णा जाओ, तुम हम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। जा। कितनी प्यारी लग रही है, जाओ जाओ आराम करो। दादी यहाँ का सब काम खत्म हो गया, तुम्हें जाऊं? हम तुम्हें जाने से रुकेंगे नहीं, लेकिन यहाँ की भी सारी जिम्मेदारी तुम्ही पे है, अगर वहाँ और कोई बहन। दादी आप जानती हैं वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, फिर भी तो जाओ, फिर हमें पूछ क्यों रही हो? नहीं दादी, आपको नाराज करके नहीं जाऊंगी, इजाजत लेके जाऊंगी। दादी मुझे बात समझ में नहीं आती, अब आपको एतराज क्यों है मेरे वहां जाने से? यहाँ बारात आने तक मेरा और कोई काम नहीं है दादी, फिर भी क्यों दादी? क्योंकि मैं बहू हूं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, बेकार की बहस मत करो। बहस नहीं कर रही हूँ दादी, सिर्फ अपने मन की बात कह रही हूँ आपसे। मुझे अच्छा नहीं लगता दादी जब आप ऐसे फर्क करती हैं। मैं तभी से नोटिस कर रही हूँ जब से नानी ने मुझे वहां आने के लिए पूछा था। आपको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन प्लीज दादी, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, वो मेरा घर है दादी, वहां के लिए भी मेरी जिम्मेदारियां बनती हैं। कीर्ति दी के वहां जाने के बाद मेरी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, लेकिन अभी हैं,
और मुझे वो जिम्मेदारियां निभाने के लिए वहां जाना होगा दादी। अगर नहीं गई ना तो बहुत गिल्टी फील करूंगी मैं, जो मैं नहीं करना चाहती, नहीं होना चाहती उदास। इतने खुशी के मौके पे सबको खुश देखना चाहती और खुद को भी। मैं आज नहीं आ पाऊंगा प्रिंसेस, मुझे यहीं रुकना होगा। पापा, पापा प्लीज मजाक मत कीजिए। देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूं प्रिंसेस, आई एम सीरियस। हम क्यों कर रहे हैं ऐसे? पापा भाई की शादी है, मेरे बेटे की शादी, और मैं नहीं आ सकता हूं, समझी तुम? नहीं आ सकता, मैं मेरे बेटे का सहरा नहीं बांध पाऊंगा। जब वो घोड़ी चढ़ेगा, जब वो फेरे लेगा, जब वो वरमाला पहनाएगा, जब वो डोली लाएगा, तो मैं उसके पास नहीं होऊंगा। किसी रसम किसी विधि में मैं नहीं रहूंगा। मेरे बेटे की शादी में मैं तुम बताओ प्रिंसेस, बताओ मैं क्या करूं? हुआ क्या है पापा? बेटा केस बहुत पेचीदा हो गया है, नमन ने पता नहीं क्या क्या गड़बड़ कर रखी है जो आज तक हमारे सामने नहीं आई है। मुझे या नक्श को कल फिर से कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर नहीं हुए तो हमें जेल हो सकती है। अब तुम बताओ, मैं अपने बेटे की शादी में आऊं या उसे जेल जाने से बचाऊं? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है पापा? क्यों हमारी खुशियों में कोई ना कोई ग्रैंड लग जाता है? क्यों कमी रह जाती है कोई ना कोई? क्यों हमारी झोली कभी भरती नहीं? किस्मत हमारे इम्तिहान लेती है। नहीं चाहिए ऐसे इम्तिहान पापा, नहीं पास होना ऐसे इम्तिहान, हमें खुशियां चाहिए पापा। उम्मा नहीं है, जैसे तैसे समझ चुके हैं हम, लेकिन पापा होके भी नहीं होंगे, ये कैसे समझे हम पापा? इतने बड़े खुशी के मौके पे आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। ये कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे वो पापा? अगर उन्हें ये पता चलेगा वो शादी ही नहीं करेंगे। नहीं प्रिंसेस, ऐसा नहीं हो सकता। नक्श के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, अब दोबारा नहीं। तो मैं अपने भाई की कसम, तुम उसे मनाओगी, तुम उसकी शादी करवाओगी, चाहे जैसे भी। नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा। प्रिंसेस तुम्हें करना होगा। मैं नहीं कर सकती पापा, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं कर सकती। आई एम सॉरी प्रिंसेस, पर तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? आप ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। भगवान भी हमारे साथ आज ठीक कहाँ कर रहे हैं बेटा, पर हम अपने नक्श के साथ गलत नहीं कर सकते, उसे धोखे में नहीं रख सकते। हमें उसे सच बताना ही होगा। ये रिश्ता क्या है?